वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35 ए को लेकर। दफा 370 और 35 ए पर एक और नजर करने के लिए कश्मीरी सियासतदान सिविल सोसाइटी नई दिल्ली में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस ने 17 जून दोपहर 2 बजे नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आर्टिकल 370 और 35 ए पर एक और नजर के मौजू पर एक अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकर्दा शख्सियात शिरकत करेंगे। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के साबक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह, रकून असेंबली जस्टिस रिटायर हसनैन मसूदी, सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारीगामी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर निजामुद्दीन भट्ट और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता मारूफ शख्सियात कश्मीर पर नजर रखने वालों को खसूसी तौर पर मीटिंग में मदऊ किया गया है। इस मीटिंग में दफा 370 और 35 ए पर अहम बातचीत के अलावा जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात और रियासत की बहाली पर भी बातचीत होगी और इजलास के शिरका अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे। इसके साथ ही इस मीटिंग में पंडित बिरादरी से वाबस्ता मारूफ शख्सियात भी शिरकत करेंगे, जिनमें एयर चीफ मार्शल कपिल काक, मुमताज कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट अशोक भान भी शामिल होंगे। जम्मू के अलावा कश्मीर से पीपल्स पार्टी के शिवानशाई भी महाजराई में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के सरबरा और मारूफ ट्रैक टू डिप्लोमैट ओपी शाह भी इस दिन तक जारी रहने वाली मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर थी कि जम्मू और कश्मीर से छीने जा चुके आर्टिकल 370 और 35 ए पर फिर से कल नई दिल्ली में नजर होने जा रही है। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।